हेलो दोस्तों, मैं सैयद मोहम्मद अमीन, CFM ATI बुद्धि से। हम यहाँ पर बुद्धि में काफ़ी कोर्स चलते हैं, तो बुद्धि में इंजीनियरिंग स्टूडेंट आते हैं, उनको प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो प्रैक्टिकल में इंजन की पूरी कंप्लीट नॉलेज दी जाती है। तो हमने उसके लिए एक ये ओपन कट मॉडल बनाकर रखा है, 5 HP इंजन। ये इसका कम्प्लीट इंजन ऐसा होता है, देख सकते हैं आप, ये कम्प्लीट इंजन रखा हुआ है, इस तरह का होता है। हमने इसको ओपन कट मॉडल में बनाया, तो आप देख सकते हैं इसके हर चीज़। ये हिस्सा जो है ये क्रैंकेस है, जिसमें क्रैंक फिट है। उसके बाद यहाँ कैमशाफ्ट फिट है। ये हिस्सा ब्लॉक का हिस्सा है, ये हिस्सा हेड का है, और ये यहाँ पर रॉकर आर्म लगी हैं इस तरह से। अब मैं आपको मूविंग वो कर बताता हूँ कि किस तरह से इंजन वर्क करता है। ये देखेंगे आप कि सबसे पहले मैं आपको आयल पंप दिखा रहा हूँ कि आयल पंप किस तरह से काम कर रहा है। ये देखिए, ये आयल पंप काम कर रहा है। यहाँ पर आपको टाइमिंग के निशान देखेंगे कि ये किस तरह टाइमिंग मिलाई जाती है इसकी। उसके बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट पर कनेक्टिंग के थ्रू ये लाइनर के अंदर पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये TDC और ये BDC, ये यहाँ से सक्शन स्ट्रोक होता है, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, फिर पावर स्ट्रोक के दौरान यहाँ पर आपको एक लाइट जलती हुई दिखेगी। देखिए ये यहाँ पे ये डीजल सप्लाई का हमने मार्क दिया हुआ है, तो ये पावर स्ट्रोक है। और इसके बाद यहाँ से ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू होता है, और ये एग्जॉस्ट वाल्व फिल्टर बंद हो रहा है। इस तरह से ये रॉकर आर्म, ये डीकंप्रेशन लीवर, इंजेक्टर, और यहाँ पर फ्यूल पंप माउंटिंग ब्रैकेट पर फ्यूल पंप भी हमने यहाँ पर लगाया है। इस तरह से हमने ये जानकारी देना चाहिए आपको। बुद्धि में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप चाहें तो बुद्धि आकर अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स कर बता सकते हैं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।